प्यारे बच्चों, आज हम लोग आईयूपीएसी नेम ऑफ अमाइंस यानी कि अमाइंस के आईयूपीएसी नेम को यानी कि नोमेनक्लेचर को पढ़ने जा रहे हैं। जानने जा रहे हैं कैसे उसके नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन दिखाऊँ, CH3 CN-2। तो पहले इसको डिस्कस करेगा। अब ये सी एस के लिए क्या बेटा कि सी एस के साथ जुड़ा है, दो सी एस में निकाल लो। ये मैं पहले ये सी एस लिखा हूँ, सी एच इसके साथ जुड़ा है, CH3 CH3 और इससे जुड़ा हुआ है NH2। और अमाइंस क्या होता है, अमाइंस पता है, जैसे NH3 में NH3 में से एक एच यहाँ पर सी एच ने ले लिया, यानी कि अल्काइल ग्रुप ले लिया, इसका मतलब ये अमाइन हो गया। तो अब नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग करते समय इधर से करना है, जहां पर अमाइन को भी उधर से करना है, 1 2 C, 2 CA। तो 2 CA तो 1 में क्या है, 1 में क्या है, ग्रुप जुड़ा है मिथाइल ग्रुप, NETHY एंड मिथाइल, कितना मिथाइल, कितने नंबर है, 1 में मिथाइल है, इसलिए 1 मिथाइल। अब हमें कार्बन एटम को काउंट करना है, 1 2 इथेन, ETHAN इथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है AN, इसलिए AN और ये अमाइन AMINE अमाइन। तो इसका आईपीएसी नेम क्या हुआ, 1 मिथाइल इथेनामाइन। तो इस तरह से हम लोग इसको नोमेनक्लेचर करना चाहिए। अब और एक आपको बता रहा हूं, नंबर 2 में CH3 CH2 twice NH2। यहां पर देखेंगे CH3 CH2 CH2 दो बार CH2 NH2। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको बेटा कि नंबरिंग करते समय इधर से 1 2 3, यानी कि जिस तरह अमाइन ग्रुप हो उसी तरह से एमिनो ग्रुप हो उसी तरफ से करना चाहिए। तो अब ये क्या हो गया, देखिएगा 1 2 3 कितना है, 1 2 3 ग्रुप प्रोपेन 1 2 में, 1 2 में, 2 में क्या जुड़ा है, मिथाइल ग्रुप, सॉरी 1 अमाइन। यहां देखेंगे 1 2 3 थ्री ये तो प्रोपेन और 1 में क्या जुड़ा है, अमाइन, कौन सा नंबर भी अमाइन है, 1 अमाइन। तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 1 अमाइन। हार्ड जो आपको मैंने कल दे दिया था CH3 NH CH CH3 twice। अब देखिएगा यहां पर तो ये N के साथ एक एच है और CH3 है और इसको CH के साथ CH3 दो बार है, इसलिए यहाँ पर CH3 कितना है, CH के साथ CH3 दो बार है। तो आपको नंबरिंग किस तरह से करना चाहिए, इधर से 1 2 केवल 2 होगा, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, किसी तरह से होगा। देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये N के साथ जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, नाइट्रो के साथ, नाइट्रो मिथाइल कहा जाता है इसको, नाइट्रोजन के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको पहले लिखना चाहिए N मिथाइल नाइट्रो मिथाइल, N मिथाइल डैश 1 2 2 में मिथाइल ग्रुप है, फिर 2 मिथाइल 1 2 इथेन ETHAN इथेन अमाइन। यहाँ पर देखेंगे मैं बता रहा हूँ, जैसे N के साथ CH3 जुड़ा हुआ तो इसको N मिथाइल कहा जाता है, नाइट्रो मिथाइल, और फिर यहाँ पर 1 2 2 में क्या है मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप, 2 में मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल होगा, 1 2 इथेन है, इथेन है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, 1 2 यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा तो सिंगल बॉन्ड रहेगा, इसीलिए ये